अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जियो नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मंजूर भट्ट। नाजरीन, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कल नीट का एग्ज़ाम हुआ, यानी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हुआ, नतीजा सामने आ गया और इसमें बहुत से खुशकिस्मत तलबा व तालिबात मुंतखब भी हुए हैं। और इसी की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं आज साउथ कश्मीर के खूबसूरत गाँव त्रिगम आया हूँ। यहाँ एक लड़का, एक स्टूडेंट मुंतखब हुआ है, हिलाल अहमद, हिलाल अमीन भट्ट, और जिसके हिलाल साहब के वालिद का नाम है मोहम्मद अमीन भट्ट, और मैं उन्हीं के घर आया हूँ आज। हिलाल साहब, सलाम अलैकुम। जी नेशनल में आपका हालांकि क्या लगता है कि आपकी कामयाबी खबर सुनकर सारे लोग खुश हुए, कि आपको क्या लगता है ये इस कामयाबी के पीछे आप किसका हाथ होगा? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस नियामत से नवाजा। तो उसके बाद जो अपने टीचर्स मेरे रहे हैं आज तक, और जो मेरे पेरेंट्स हैं, इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दुरीगाम में पढ़ा है। बिल्कुल। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल ननमाई, उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल ननमाई। तो टेंथ करके जो है मैंने एडमिशन लिया होप क्लासेस परेपुरा, वहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट हो जाता था, मेरा फ्री एडमिशन हुआ 11th में। उसके बाद 12th में भी फ्री, और जब एंट्रेंस की कोचिंग थी तो वहाँ पे मैंने 3 साल फ्री पढ़ा। और वहाँ पे जो टीचर्स मुझे मिले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया ये जो मेरा ड्रीम था पूरा करने के लिए, जिसमें से यहाँ हमारे इलाके के एक मशहूर सर हैं अहमद जुएल सर, फैजान वली सर, यहाँ वहाँ पे बाकी भी है, कॉटम सर हैं, डॉक्टर इरशाद सर, फिरदौस सर, डॉक्टर सजाद सर, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने। हिलाल साहब, आपका कहना है कि जब मैं हायर सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी पास करके मैं गया, एग्ज़ाम्स कुछ क्वालिफाई किया, उसके बाद में कोचिंग करने के लिए, कि आपने प्रेफरेंस श्रीनगर की किया है, इससे श्रीनगर गए आप, और वहाँ से वहाँ में आप किस कोचिंग सेंटर में आप गए जहाँ से आपने? मैंने 10th के बाद डायरेक्ट में चला गया होप क्लासेस। कितने सर थे वहाँ पे जो वहाँ पढ़ा रहे थे? वहाँ पे बहुत टीचर्स है, मतलब बहुत सपोर्टिव रहे, और बहुत मतलब सपोर्टिव रहे जिन्होंने मुझे हेल्प की। अपना आपकी बातों से लगता है कि आप ज़्यादातर आपकी कामयाबी का राज वहीं है, कि आप वहीं मतलब से? हाँ बिल्कुल, मैंने 3 साल वहाँ पे जो है मतलब स्कॉलरशिप पे फ्री पढ़ा है, 3 साल 11th 12th और एंट्रेंस की कोचिंग। उसके बाद मैं जो पहला अटेम्प्ट दिया तो मैं BDS में मेरी सिलेक्शन हुई, तो मैं नहीं गया। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग 614 आगे का क्या प्लान है आपका आगे का? अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर MBBS आई वांट जॉइन कार्डियोलॉजी, और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करूँ। मदद करूँगी। अच्छा, कामयाबी के पीछे आपके क्या किस कर आगे जी? बस ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का एहसान है, और पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे भी पता है, और काफ़ी लोगों को भी पता है मैंने कितनी स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो मेरे पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा है, मतलब मैं इस लायक भी नहीं को इनको थैंक यू कह सकूँ, आई कांट से। बिल्कुल ये बात सही है कि आप बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से तलबा देख रहे हैं, उन्होंने मेहनत की भी होगी, मतलब नाकाम भी हुए इस एग्ज़ाम में। अब उनके लिए आपका क्या व्यू होगा, आपका क्या मतलब नुक्ता निगाह होगा कि उनसे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो फेलियर है वो कभी परमानेंट नहीं होता है। बिल्कुल। जब फेलियर होता है तो वो उससे आप डिमोटिवेट नहीं होना है, बस उससे आपको क्या होना है, आपके अंदर अगर आग है ना तो वो आपको मोटिवेट करनी चाहिए। नहीं, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? यू शुड डू, यू शुड पुट योर एफर्ट्स। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे तो आप तब तक सेटिस्फाइड मत हो जाओ, अब तब तक सेटिस्फाइड मत हो जब तक आप अपना 100% ना दो। तो आप फुल मेहनत के साथ करो, अल्लाह ताला मतलब किसी भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, किसी भी की भी मेहनत को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करता। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारो, बस अगर आपका ड्रीम है, अगर आपका गोल परफेक्ट है, तो यू शुड डू वर्क, यू शुड वर्क ऑन इट, एंड इंशाल्लाह यू विल अचीव इट सून। मोहम्मद अमीन भट्ट चु तुम फादर, मोहम्मद अमीन भट्ट तुम तो तुम क्या बासन अत कम वनकस अत मे क्या तुम बासन तुम कूत खुश गई वनकस तमें साथ बूझ? अल्हम्दुलिल्लाह गई खुश आज हत समझ यह कि कमिस तान नेक बुजुर्ग सुन दुआ गुत कामयाब, खबर कत तहर ईन यह बच्चा हलल खेत पौद गुत। मे बासन योतान मे बच सुन मतलब नजरअंदाज अम सुन वथुन बिहुन चालू चलन वो अम मान हुकम वर जह चीज उन तव मूजूब मे बासन यह बच्चे गोह ब्रोट कामयाब। अत सूरत मह शुक्र गुजार तमाम यह तिमन उस्तादन हुंद यमो ये चाहे सो प्राइमरी स्कूल दुरीगाम से लेकर ननमई गवर्नमेंट स्कूल मिडल स्कूल वगेपोरा हाई स्कूल ननमई
अत पे होप क्लास सरीनगर ये मे ये पी यू सी पे त्रो यानी मैट्रिक मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक पत गो ये ओरत अकशीत मार्क्स ऐसी पे दु तम एग्जाम अगो फ्री एडमिशन तो तम पमो तुम फयाज सब हमसाय गाम कैडर फैज अहमद वगी अमिस वन जैल सर तो बेस सजाद सर कांडम सर वगैरह फिरदो सर तम इर्शाद सर तमो जबरदस्त कोर ये बच वो यह हाँ गवर्नमेंट सकूल मन पढ़ित रोमुत और सही कोचिंग कर तिमन वर्यन अकिस दौन जबरदस्त असल शुक्र गुजार तिहुद बे तम उस्ताद हूँ यमो ये पढ़नो तो बुनियादी वनो यह कह कि लक प्लस हार्ड वर्क इज कॉल्ड सक्सेसफुल बच्चन कर जबरदस्त पन्न आय तो मेहनत तुम गो अल्लाह तला तोर फजल तो बे कमो तान नेक बुजुर्गो दुआ तो तमी शुक्रिया। नाज़रीन आपने इस वक्त देखा है आपने सुना भी होगा कि किस तरह इसके वालिदैन भी ये इनकी मेहनत के बारे में कह रहे थे कि किस तरह उसने बहुत ही मेहनत की है। बाकी के जो तलबा हैं इंशाल्लाह वो भी आगे चलेंगे। तो दीजिए अपने मेज़बान मंजूर पर को इजाज़त। खुदा हाफिज़।